नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए टॉप 600 हिस्ट्री की क्वेश्चन है, ये अलग अलग पार्ट में थे, अब मैं एक साथ दे रहा हूँ और प्लस इसकी पीडीएफ भी मैंने वेबसाइट पे ऑलरेडी अपलोड कर दी है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। देखिए कोई भी चीज़ अगर आपको वेबसाइट में खोजनी है, यहाँ पे सर्च करिए टॉप 600 हिस्ट्री लिखा आपने और सर्च किया तो तुरंत आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए आ गया, सबसे टॉप पे आ गया ये, और इसको आप पढ़ भी सकते हैं यहाँ पे आराम से। इस पे क्लिक करेंगे अगर आप तो देखिए पूरी पीडीएफ खुल जाएगी, आप आराम से पढ़ सकते हैं और इसका वीडियो आप देख लीजिए पूरा। एक साथ कंपाइलेशन है कि ताकि यूपी पुलिस और जितने भी एग्जाम्स हैं सबके लिए एक साथ, ये जो लोडिंग लिख रहा है ना यही है पीडीएफ मेन। ठीक है, 10-20 सेकंड लगते हैं लेकिन आराम से एक बार हो जाएगा, फिर आराम से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आप इसमें कर सकते हैं, ये आप पे मिल जाएगी और प्लस और भी काफ़ी सारी चीज़ें खोज सकते हैं यहाँ पे। देखिए ये इतिहास के टॉप 600 सवाल हैं और इसमें आपको आंसर सबसे नीचे दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा और पीडीएफ, और प्लस अगर आप वीडियो देखेंगे तो पूरा वीडियो में तो बता ही गया है। ऐसे ही आपको टॉप 1000 अगर आप चाहते हैं कि साइंस वाला जो है वो भी आपको मिल जाएगा। टॉप 1000 देखिए सर्च में लिखिए यहाँ पे टॉप 1000 और फिर साइंस। ठीक है, तो ये वाले है सीरीज़, आपको टॉप 1000 लिखेंगे तो साइंस का ही है वैसे, तो आपको यहाँ पे सर्च में आ जाएगी और उसमें देख लीजिए फिर। ठीक है, थोड़ा बहुत साइट पे कई बार लोग रहते हैं तो थोड़ा बहुत लोड हो सकता है, लेकिन एक बार पीडीएफ अगर आ गई तो आप पढ़ सकते हैं। ये देखिए आ गया, ये इस पर क्लिक करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए फिर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। दोस्तों आज मैं टॉप 600 क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। आज मैं आपके लिए 100 क्वेश्चंस लेके आई हूँ। टॉप 600 की सीरीज चल रही है जिसमें आपको मॉडर्न, मिडिवल और प्लस एंशियंट के क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सर चार्ल्स मेटकॉफ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री व्यापार के संबंध में कार्ताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? कार्ताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रवींद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? ऑप्शन बी है इसका सही जवाब, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लखनऊ अधिवेशन 1916। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कोच्चि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गोलकुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मीर कासिम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वुड्स डिस्पैच को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और सशस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लॉर्ड लिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड डिप्पन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया था? सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत में शिक्षा सुधार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय टंकण कागजी मुद्रा अधिनियम किस वायसराय ने पारित किया था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नाना
फडणवीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। फिर क्वेश्चन है, पुणे समझौता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यह समझौता जवाहरलाल नेहरू अंबेडकर के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1668 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ज्योतिबा फूले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1915। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जेबी कृपलानी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व विभाग को स्थायी संस्था कब बनाया गया? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1906। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1943। निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर किसे बिठाया गया? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मीर जाफर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेश बंधव की स्थापना किसने की थी? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अश्विनी कुमार दत्ता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज हा मजा जनसिद्ध अधिकार आहे अड़ी तो में मिला विनाच, मराठी में घोषणा बाल गंगाधर तिलक ने किस स्थान पर की थी? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और जयगोपाल किस षड्यंत्र में शामिल थे? और इसका सही जवाब है लाहौर षड्यंत्र, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई थी? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सिंगापुर। गुरुमुखी लिपि किस सिख गुरु के द्वारा शुरू की गई? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गुरु अंगद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारिंद्र घोष किस समाचार पत्र से जुड़े हुए थे? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जुगांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 के तेभेगा आंदोलन किस वर्तमान राज्य से संबंधित है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मुख्यालय भारत के किस राज्य में स्थित है? और इसका सही जवाब, प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मुख्यालय भारत के किस राज्य में स्थित है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढाका में स्थित एहसान मंजिल पैलेस किस कारण प्रसिद्ध है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मुस्लिम लीग की स्थापना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी मित्रा का नाम किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना के साथ जुड़ा हुआ है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुशीलन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हेनरी विवियन डेरोजियो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब किसे माना जाता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सिराजुद्दौला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
स्वतंत्रता से पहले भारत के किस राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बड़ौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1896 का कांग्रेस अधिवेशन किस लिए जाना जाता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत का राष्ट्रीय गीत पहली बार गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रगान का शीर्षक क्या था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भारत विधाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1911 कलकत्ता में गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई का स्थान प्लासी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विद्यासागर सेतु किस शहर में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन किस वायसराय के काल के दौरान भारत आया? ऑप्शन ए, लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था? सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, कराची अधिवेशन 1943। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को किस स्थान पर पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर हरित पुस्तिका जारी की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राजकोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कब की थी? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1915। कर्नाटक के नगरों में विजयनगर साम्राज्य का सबसे स्मारक कौन सा है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा की घटना के बाद कौन सा आंदोलन बंद किया गया? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आध्यात्मिक गुरु का बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रामकृष्ण परमहंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में एक बार अध्यक्षता की? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बेलगाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर निम्नलिखित में से किसे इंग्लिश खान कहता था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विलियम हॉकिंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बोरो के कार्यकाल में किस अधिनियम के द्वारा दास्ता को गैर कानूनी घोषित किया गया? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अधिनियम 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1861 में इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन व प्रकाशन किसने किया? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मनमोहन घोष और देवेंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 6 अगस्त 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में किसने की थी? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? इसका सही जवाब है 6 अगस्त 1952 को। आनंद मठ के लेखक कौन है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 5 मार्च 1931 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तारीख को भगत सिंह को फांसी दी गई? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 23 मार्च 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1916 में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
10 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ और कौन शामिल हुए? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अंबिका चरण मजूमदार। दो बार और इसका सही जो जवाब है वो है अंबिका चरण मजूमदार, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने किसे चुना था? ऑप्शन ए है विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1940 को किसके द्वारा मनाया गया? ऑप्शन ए है मुस्लिम लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1893 में गणपति त्योहार किसने शुरू किया था? और इसका सही जवाब है लोकमान्य तिलक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था? और इसका सही जवाब है लॉर्ड लिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, राज बिहारी बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना किसने की थी? और इसका सही जवाब है बीपी वाड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला पंजीकृत ट्रेड यूनियन कौन सा था? ऑप्शन सी, मद्रास लेबर यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दिया था? और इसका सही जवाब है शंकरन नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना किस दिन घटी थी? और इसका सही जवाब है 13 अप्रैल 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर जनरल सबसे पहले किस भाषा में प्रकाशित हुई? और इसका सही जवाब है उर्दू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आजाद की शहादत किस तारीख को हुई थी? और इसका सही जवाब है 27 फरवरी 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना कब की गई थी? और इसका सही जवाब है 1872। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्राचीन कला को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की? और इसका सही जवाब है अवनींद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गांधी जी द्वारा लिखी गई थी? और इसका सही जवाब है हिंद स्वराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के से ठीक पहले कौन सी घटना घटी थी? ऑप्शन सी, रोलेट एक्ट का पारित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना खिलाफत आंदोलन के लिए सफलता का कारण बनी? और इसका सही जवाब है तुर्की में क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी ने 8 मंत्रियों के परिषद का गठन किया था, उस परिषद का नाम क्या था? और उसका नाम था अष्ट प्रधान, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बसाई की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए? और इसका सही जवाब है बाजीराव द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सहायक गठबंधन किसने शुरू किया? और इसका सही जवाब है लॉर्ड वेलेस्ली ने। किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया? और इसका सही जवाब है चार्टर अधिनियम 1813। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? और इसका सही जवाब है सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? और इसका सही जवाब है लाला लाजपत राय ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? और इसका सही जवाब है 7 सितंबर 1931, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान केसरी नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? और इसका सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ढाका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1924 से 1925 के वैकोम सत्याग्रह में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? और इसका सही जवाब है के केलापन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1867 में नव गोपाल मित्रा ने हिंदू मेला की शुरुआत किस स्थान पर की थी? और इसका सही जवाब है कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बंगाली अखबार की स्थापना 1879 में किस क्रांतिकारी ने की थी? और इसका सही जवाब है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। दोस्तों, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7838692618, आप इसमें इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके, बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, ये 600 क्वेश्चन की सीरीज है, 600 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई हूँ। कल आपको 100 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के मिले थे,
आज फिर मैं मॉडर्न हिस्ट्री के 100 क्वेश्चंस लेके आई हूँ। इसमें मॉडर्न प्लस एंशियंट प्लस मिडिवल के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। दोस्तों अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बदगलियोन आज़ाद हिंदुस्तान की स्थापना किस देश में की गई? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला तेल संशोधन कारखाना कौन सा है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डिगबोई रिफाइनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1930 में स्वतंत्रता की घोषणा किसने ड्राफ्ट की थी? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 और सही और 3 सही हैं, यानी सीट वितरण का आधार जनसंख्या थी और संविधान सभा की संरचना कैबिनेट मिशन प्लान के मुताबिक थी। नेक्स्ट है, क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारतीय नेताओं को विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के लिए राजी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्य के अभिन्न अंग के रूप में भारत में जिम्मेदार सरकार की स्थापना यह नीति किस रिपोर्ट का हिस्सा थी? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार के देसी रियासतों के संबंध के बारे में किस रिपोर्ट में कहा गया था कि सर्वोच्च रहनी चाहिए? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बटलर आयोग रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बंगाली नाटक का पथ प्रदर्शक था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, माइकल मधुसूदन दत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रगान जनगणमन पहली बार कब गाया गया? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कलकत्ता 1911। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना के दौरान बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य का उपनाम दिया गया? और सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, होम रूल आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राजकुमार में भारत विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, राजा महेंद्र प्रताप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करजन विली की हत्या मदन लाल ढींगरा ने लंदन में की थी, करजन विली क्या थे? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत सचिव के सलाहकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुराने बंगाली दैनिक अखबार बासुमती का संपादन किसके द्वारा किया जाता था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बारिंद्र कुमार घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन किसके द्वारा कहा गया था कि वर्तमान में भारत एक चीज सीखने की आवश्यकता है कि किस प्रकार मरे, और यह जानने की एकमात्र तरीका स्वयं मरना है, इसलिए मैं शहादत की महिमा में मरना चाहूंगा? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मदन लाल ढींगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1920 के विवेश अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव किसकी अध्यक्षता में पारित किया गया था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 वर्ष पहले गदर पार्टी को अमेरिका के किस शहर में लॉन्च किया गया था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सैन फ्रांसिस्को में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक बहुविवाह प्रथा पर आधारित था? और सही जवाब है ऑप्शन बी, कुलीन कुला सर्वासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुटनों के बल बैठकर मैंने रोटी मांगी और मुझे पत्थर मिले, ये कथन महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान कहा था? और सही जवाब है ऑप्शन सी, दांडी मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने भारतीय नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑपरेशन थंडरबोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1931 के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बंगाली लेखक ने हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाने का सुझाव दिया था? और सही जवाब है ऑप्शन ए, भूदेव मुखर्जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रांतिकारियों की माता किसे कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, मैडम कामा को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू महासभा का आयोजन सबसे पहले 1914 में पहली बार किस स्थान पर किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन ए, हरिद्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत विभाजन के विरोध में 3 जुलाई 1947 को किसने काला दिवस के रूप में मनाया? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हिंदू महासभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन ए, नवाब विकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्मकाल की आंधी की तरह मेरठ विद्रोह भी अनापेक्षित और बेहद छोटा था, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एस एन सेन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी शासन के दौरान विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके द्वारा तैयार किया गया था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीनगर की संधि पर कब हस्ताक्षर किए गए? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फरवरी 1757। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए हो ह्यून की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई थी? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डब्ल्यू वेडरबर्न के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के सबसे बड़े समर्थक कौन थे? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अंग्रेजी भाषा को निर्देश का माध्यम कब बनाया गया था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1835 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अब्दुल लतीफ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता असहयोग आंदोलन का हिस्सा नहीं था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? और सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषक आंदोलन बिजौलिया किस वर्तमान राज्य से संबंधित है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, राजस्थान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर बनाया जाने वाला पहला राज्य कौन था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आंध्र राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक गठबंधन स्वीकार करने वाले अंतिम मराठा प्रमुख कौन थे? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, होलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने अंग्रेजी में पहली भारतीय रचना रची? सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, हरिहरानंद ने। बहादुर शाह जफर के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1845 में उनका राज्याभिषेक हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि किसने दी थी? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मोहम्मद शाह ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1909 में गांधी जी द्वारा लिखित पुस्तक दिन स्वराज किस भाषा में लिखी गई थी? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गुजराती भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का अस्त्र प्रधान में कौन शामिल नहीं था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वकील। चौथ एकत्रित करने का मुख्य कारण क्या था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आय स्रोत के में वृद्धि करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स द्वितीय ने बॉम्बे को किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था? और सही जवाब है 1668 में, ऑप्शन डी। अकबर से गुजरात में व्यापार के लिए फरमान प्राप्त करने के प्रयास किस अंग्रेज व्यक्ति ने किया था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जॉन मिल्टन हॉल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डच सबसे पहले वर्तमान उड़ीसा में किस स्थान पर बसे? और सही जवाब है ऑप्शन सी, पिपली। किस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने बंगाल बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त किए? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशवा ने अंग्रेजों की सहायक गठबंधन को किस संधि के द्वारा स्वीकार किया? और सही जवाब है बसई की संधि, ऑप्शन बी। दोस्तों, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7838692618। ज्यादा जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों की सहायक गठबंधन की नीति का पहला शिकार कौन बना? और सही जवाब है ऑप्शन डी, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सर संघचालक कौन होता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आरएस आरएसएस सॉरी
आरएसएस अध्यक्ष। यह कथन किसने कहा था कि अंग्रेजों ने बंगाल में 1765 से 1772 के बीच लुटेरों का राज्य स्थापित किया? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, के एम पणिक्कर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध को किस आधार पर ब्रिटिश क्षेत्र में अधिग्रहित किया गया था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कथित कुशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देशी रियासत को वेबगत के सिद्धांत के अंतर्गत अधिग्रहित नहीं किया गया था? और सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधेयक के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियां समाप्त कर दी गई? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चार्टर अधिनियम 1833। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम बताएं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1, 2, 3। मैकडोनल आयोग, पहला औद्योगिक आयोग और फिर पहला वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्व बंदोबस्त की महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किस स्थान से हुई? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उत्तर पश्चिमी प्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का सर्वाधिक प्रभाव किस राज्य में था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अवध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के विभाजन को किसने रद्द किया था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लॉर्ड हार्डिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के विभाजन को किसने रद्द किया था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लॉर्ड हार्डिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक पुनर्जागरण के से संबंधित कुमारन असन वर्तमान में किस वर्तमान राज्य से थे? और इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच बेहतर संबंध किस समय काल में रहे? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1916 से 1922। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1, 3, 2, 4। पहले गांधी इरविन समझौता, फिर कांग्रेस का कराची अधिवेशन, फिर पूना समझौता और फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रिंगिंग टाइगर स्टडी ऑफ ए रिवोल्यूशनरी किसकी जीवनी है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में किस स्थान पर आयोजित किया गया था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सेंट जेम्स पैलेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां के दरबार में जाने वाला पुर्तगाली यात्री कौन था जिसने तख्त ई ताउस का विवरण किया था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जीन बप्तिस्ते टैवनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवसर पर बॉम्बे के पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को सौंपा था? बॉम्बे को पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को सौंपा था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चार्ल्स द्वितीय का पुर्तगाली राजकुमार कैथरीन ऑफ ब्रगंजा से विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1613 में सूरत में कारखाना स्थापित करने के लिए किसने जहांगीर को राजी किया? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अंग्रेजों के हाथ पुर्तगाली नौसेना की हार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कौन सी थी? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1767 से 1769 के आंग्ल मैसूर युद्ध से ठीक पहले हैदर अली के विरुद्ध त्रिकोणीय गठबंधन में कौन जुड़ा था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1, 2, 3, मतलब अंग्रेज, फिर हैदराबाद का निज़ाम, फिर मराठा, फिर त्रावणकोर, हैदराबाद का निज़ाम, फिर मराठा। नेक्स्ट है, वेबगत के सिद्धांत के द्वारा निम्नलिखित में किसे किस क्षेत्रों को अंग्रेजों ने अधिग्रहित नहीं किया था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मैसूर। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? और
इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बेगम हजरत महल। नेक्स्ट है, मानवता के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का सिद्धांत किसने दिया था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, श्री नारायण गुरु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पश्चिमी शिक्षा का मेगरा कार्चा किसे कहा जाता है? और सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, वुड्स डिस्पैच 1854। फिर है 1864 में मद्रास में वेद समाज की स्थापना किसने की थी? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केशव चंद्र सेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1922 में भील सेवा सम्मेलन की स्थापना किसने की थी? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अमृतलाल विठलदास ठक्कर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से 1912 में दिल्ली षड्यंत्र किसके द्वारा रचा गया था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राजबिहारी बोस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गांधी जी ने पहला अनशन किस आंदोलन के लिए किया था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अहमदाबाद मिल हड़ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मोहम्मद अली और शौकत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका वही आंसर है मोहम्मद अली और शौकत अली, एक ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 1919 किस स्थान पर आयोजित किया था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झंडा सत्याग्रह के लिए किस शहर को जाना जाता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नागपुर। फिर क्वेश्चन है, अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंदो घोष का बचाव किसने किया था? और सही जवाब है उसका ऑप्शन डी, चितरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1907 में कांग्रेस का विभाजन गर्मदल और नरमदल में किस अधिवेशन में हुआ था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? और सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, दादा भाई नरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी संगठन गुप्त रूप से काम करता था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसमें नहीं है तो वो हम आपको बाद में बता देंगे। क्वेश्चन दोस्तों, ये 186 का क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, INA ट्रायल निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लाल किला। ब्रिटिश साम्राज्य अंदर तक सड़ चुका है, यह भ्रष्ट दमनकारी और घटिया है, उपरोक्त कथन किसने कहा था? और इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, मिस्टर निवेदिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1886 में निम्नलिखित में से किस संगठन का कांग्रेस में विलय किया गया था? और इसका सही जवाब है इंडियन नेशनल एसोसिएशन, यानी ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले पहले अंग्रेज कौन थे? और इसका सही जवाब है जॉर्ज वुल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? और इसका सही जवाब है जेबी कृपलानी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? इसका सही जवाब है कलकत्ता अधिवेशन 1906, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन में मात्र एक बार अध्यक्ष बने थे? और इसका सही जवाब है बेलगाम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का संस्थापक नहीं था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नवाब अब्दुल लतीफ खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज हम आजा जन्मसिद्ध हक आए आड़ी तुम मी मिलवा रच, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे लेकर रहूंगा, ये बयान बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ दिया? दोस्तों ये कल भी मैं क्वेश्चन करा चुकी हूँ आपको, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, न्यायालय में। ये कल भी अगर आपको याद होगा तो मैंने कल भी कराया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ज्योतिबा फूले। फिर क्वेश्चन है, भारतीय होम रूल लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जोसेफ बपिस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब है
ऑप्शन डी मैडम ब्लावस्की और ऑलकोच ने। तो दोस्तों अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर है 7838692618। ओके बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। दोस्तों मैं आपको 600 क्वेश्चंस की सीरीज आपके लिए लेके आ रही हूँ जिसमें ये पार्ट थर्ड है। आज मैं आपको एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस दूंगी जिसमें मिडेवल और मॉडर्न के क्वेश्चंस आपको दे चुकी हूँ। अब एंशियंट प्लस मिडेवल दो पार्ट और मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए दंती दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेन वंश की स्थापना किसने की और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हेमंत सेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णा प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया। सही जवाब है इसका ऑप्शन ए एलोरा के शिव मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गुप्त काल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफेद है, यह विचार किसका था और सही जवाब है ऑप्शन बी मैक्सिमेनीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त राजाओं ने कौन से सिक्के चलवाए और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1 और 4। ऑप्शन डी है सही जवाब 1 और 4 दिनार और स्वर्ण यानी सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सोने चांदी और तांबे तीनों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतिम मौर्य सम्राट कौन था और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बृहदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिधम्म में कथा वत्तु के बारे में किसने लिखा और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मोगली पुत्तिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस यज्ञ में वैदिक काल में सूरा का प्रयोग किया जाता था और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सौत्रामणि। 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए परुषणी। सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी धर्मपाल। रामपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जगदल। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध की माँ महामाया किस वंश से थी और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कौलीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया। ऑप्शन ए इसका उत्तर है भट्टारक। फिर क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ। इसका सही जवाब है कुमारगुप्त के काल में ऑप्शन सी। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हीनयान। कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी विनय पिटक। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सुत पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास किसके काल में हुआ और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन किस संगीति में हुआ और इसका सही जवाब है चतुर्थ ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए महाकश्यप। दूसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सबकमी। किसके काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के गृह त्याग को कौन सा चिन्ह बताता है और इसका सही जवाब है घोड़ा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के निर्वाण को कौन सा चिन्ह बताता है और इसका सही जवाब है बोधि वृक्ष ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के जीवन को कौन सा चिन्ह बताता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कमल। फिर है, गौतम बुद्ध का सारथी कौन था? और इसका सही जवाब है चन्ना, ऑप्शन ए। कंथक का गौतम बुद्ध के जीवन में क्या संबंध था? कंथक का गौतम बुद्ध के जीवन में क्या संबंध था? और इसका सही जवाब है घोड़ा। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है? महाभारत, ऑप्शन बी। बोगज कोई अजलेख कहाँ खोजा गया? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी टर्की। अष्टांग संग्रह की रचना किसने की? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वाग्भट। आठवीं सदी में त्रिकोणीय संघर्ष किसके बीच था? चालुक्य पल्लव और पांडे के बीच में, ऑप्शन ए। कोरोमंडल शब्द को निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य से लिया गया? चोल, ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन गलत है? और इसका सही जवाब है कोई नहीं, ऑप्शन डी। ऋग्वेद का एक मंडल किसके लिए समर्पित है? ऑप्शन डी सही जवाब है सोम। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस गांव में था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अंतिचक। महायान बौद्ध धर्म ग्रंथों में भविष्य बौद्ध किसे कहा गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कनक मुनि। किन दो वंशों ने राजकूटों के साथ उत्तर भारत का राज्य संभाला? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी प्रतिहार और पौल। कौन सा वंश ब्रह्म क्षत्रिय वंश कहलाता था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सेन। कौन सा मिलान सही नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी रत्नावली राजशेखर। परम सौगात की उपाधि किसने धारण की? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राजवर्धन। गुप्त राजाओं के बाद किन राजाओं ने गरुड़ को अपना राज्य का चिन्ह बनाया? पल्लव राजाओं ने, ऑप्शन ए। किस सातवाहन राजा ने सर्वप्रथम राजा के नाम के सिक्के जारी किए? इसका सही जवाब है शातकर्णी प्रथम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योद्धेयों का प्रमुख स्थान कहाँ था? और इसका सही जवाब है रोहतक, ऑप्शन ए। समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? और इसका सही जवाब है विष्णुगोप, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किस राजा ने कराया? और सही जवाब था प्रवरसेन, प्रवरसेन प्रथम, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीक रोमन साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस का कहा गया है, इसका उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया? और सही जवाब है ऑप्शन डी विलियम जोन्स। नेक्स्ट है, किस राज्य के राजाओं ने सीरिया के साथ राजनीतिक संबंध बनाए? सही जवाब है मौर्य, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, किस राज्य के राजा ने देवपुत्र उपाधि को अपनाया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कुषाण। महासंघिक निकाय कहाँ विकसित हुआ? सही जवाब है वैशाली, ऑप्शन ए। कौन सा मिलान सही है? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए शाक्य कपिलवस्तु। निर्भर पत्नी और बच्चों का बेसारा छोड़ भिक्षु बनने के लिए सजा किसने निर्धारित की? चाणक्य ने, ऑप्शन सी। 23वें जैन तीर्थकार किस जगह से संबंधित थे? और सही जवाब है वाराणसी, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन सा शिक्षक गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करने से पहले नियुक्त किए गए थे? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए केवल एक और दो, अलारा कलमा और उद्दक रामपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में ऋग्वेद की शाखा है? शाकाल, ऑप्शन डी। जूनागढ़ अभिलेख में किस शक राजा का नाम दर्ज है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रुद्रादमन। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके समय हुई? और सही जवाब है कनिष्क के समय, सॉरी चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके समय हुई? इसका जो सही जवाब है
वो है ऑप्शन ए कनिष्क, सही है। नेक्स्ट है मथुरा का काल, सॉरी मथुरा का कला का स्कूल का उन्नत समय किस काल का था, और इसका सही जवाब है कुषाण, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है भारत का प्रथम शक राजा कौन था, और इसका सही जवाब है मोगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है स्ट्रेट गोज की नियुक्ति किसने की थी, और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यवन। 190 ईसा पूर्व में बैक्टीरिया के किस यवन राजा ने भारत पर आक्रमण किया, और इसका सही जवाब है डेमेट्रियस, ऑप्शन ए। प्रसिद्ध इंडो ग्रीक राजा मिनांडर ने अपनी राजधानी कहां बनाई, तक्षशिला, ऑप्शन ए। किस ग्रीक राजदूत ने विष्णु के समान सम्मान में स्तंभ बनवाया, और इसका सही जवाब है हेलियोडोरस, ऑप्शन बी। सर्वप्रथम सोने के सिक्के किस राज्य के राजाओं ने जारी किए, और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यमन। बृहत कथा की रचना किसने की थी, इसका सही जवाब है गुणांडे, ऑप्शन ए। किस सत्वाहन राजा ने शक राजाओं से मालवा को वापस जीता, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गौतमीपुत्र शातकर्णी। इनमें से कौन सा शिलालेख सातवाहन काल से संबंधित है, और सही जवाब है इसका ऑप्शन ए नासिक। सातवाहन वंश के किस राजा ने गाथा सप्तसती सप्तसती की रचना की, और सही जवाब है इसका ऑप्शन ए राजा हाल। किस वंश के राजाओं ने ब्राह्मणों को अनुदान में भूमि दी, और इसका सही जवाब है सातवाहन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अशोक के अपने शिलालेख में किस क्षेत्र को करमुक्त बनाने और मात्र 1/8 कर लगाने की जानकारी दी है, और इसका सही जवाब है लुम्बिनी, ऑप्शन ए। शतपथ ब्राह्मण और तैतरीय ब्राह्मण किसके ब्राह्मण ग्रंथ है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यजुर्वेद। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता के ढोल वीरा स्थल की सबसे अनोखी विशेषता क्या है, और इसका सही जवाब है इसके शहर को 3 भागों में विभाजित किया गया था, ऑप्शन सी। कौन से राज्य गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित हैं, और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 3 और 4, कौशल और मगध। ऋग्वैदिक काल की अर्थव्यवस्था के बारे में कौन सा कथन असत्य है, वेतन की अधिकता, ऑप्शन डी। कौन सा शब्द वेदों और वेदों की शाखाओं को सिखाने के विद्यालय के लिए प्रयोग किया गया है, सही जवाब है चरण, ऑप्शन बी। प्राकृत भाषा की व्याकरण प्राकृत प्रकाश की रचना किसने की, इसका सही जवाब है वररुचि, ऑप्शन सी। मैगस्थनीज द्वारा भारत के बारे में कहे गए कथनों में कौन सा सत्य नहीं है, और इसका सही जवाब है भारत में अक्सर अकाल पड़ता है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में भारत के बारे में सर्वप्रथम किस ग्रीक विद्वान ने लिखा है, और इसका सही जवाब है साइलेक्स, ऑप्शन सी। नाभिवर्ष किस देश का ऐतिहासिक नाम है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भारत। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए, और इसका सही जवाब है सी 1 और 2 दोनों। अंडाल एक महिला संत थी जिसकी रचनाएं व्यापक रूप से गाई जाती हैं, और दूसरा है कराईकल अम्मायार शिव के भक्त है जिन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक भक्ति के मार्ग को अपनाया, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा ने धर्म महामत नियुक्त किए थे, और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अशोक। जैन धर्म के 22वें तीर्थकार कौन थे, अरिष्टनेमी, ऑप्शन बी। मातृनामा किस वंश के शासकों द्वारा शुरू किया गया, इसका सही जवाब है सातवाहन, ऑप्शन सी। फिर है मनु ने किस अपराध के लिए ब्राह्मण को अन्य वर्ग की तुलना में अधिक दंड देने को कहा, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए चोरी। राजा ब्राह्मणों को छोड़कर सबका स्वामी, ये विचार किसके हाथ थे, और इसका सही जवाब है गौतम, ऑप्शन बी। किस चौल राजा ने मालदीव को जीता, किस चौल राजा ने मालदीव को जीता, और इसका सही जवाब है
ऑप्शन ए राजराज। कल्पद्रुम की रचना किसने की? इसका सही जवाब है लक्ष्मीधर। अशोक के ब्राह्मी शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने, ऑप्शन ए। चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? गंगा घाटी। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से अग्रवेदिकाएं प्राप्त हुई हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कालीबंगन। किस गुप्त राजा को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता था? और इसका सही जवाब है समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल के दौरान राज्य के राजस्व की वसूली कौन सा अधिकारी करता था? सही जवाब है सहरता, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, गुप्त काल के दौरान स्वर्ण सिक्कों की कमी और गुप्त काल के बाद सिक्कों की कमी का क्या कारण था? और इसका सही जवाब है व्यापार में गिरावट आई थी, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में अष्टमहस्थान कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी तक्षशिला। तृतीय बौद्ध संगति किसके काल में हुई? और इसका सही जवाब है अशोक, ऑप्शन ए। गौतम बुद्ध को किस उम्र पर ज्ञान प्राप्त हुआ? और इसका सही जवाब है 35, ऑप्शन बी 35 साल की उम्र में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का एकमात्र पुत्र का नाम क्या था? उसका नाम था राहुल, ऑप्शन ए। तो दोस्तों, अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7838692618। ओके, बाय बाय। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में दोस्तों आपकी 600 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, जिसमें आज आपको फोर्थ पार्ट मिल रहा है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार थे? और इसका सही जवाब है ऋषभदेव, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य प्राप्त हुआ था? तो इसका सही जवाब है रयापालिका नदी पर, ऑप्शन बी रजुपालिका नदी पर प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 540 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में जैन धर्म के कौन से दो तीर्थकार का उल्लेख है? इसका सही जवाब है ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के अनुसार तीर्थकर महावीर का पहला शिष्य कौन था? और इसका सही जवाब है जामली, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की पत्नी कौन थी? यशोदा, ऑप्शन ए। महावीर स्वामी किस कुल से संबंधित थे? जंत्रिक, ऑप्शन ए उत्तर है इसका। महावीर को महापरिनिर्वाण कहां प्राप्त हुआ? और इसका सही जवाब है पावापुरी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगति कहां हुई थी? और इसका सही जवाब है पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय जैन संगति कहां हुई? इसका सही जवाब है वल्लभी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेतांबर किसके नेतृत्व में विकसित हुआ? इसका सही जवाब है स्थलबाहु। फिर है, दक्षिण भारत में जैन धर्म किसके नेतृत्व में फैला? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भद्रबाहु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार किसने कराया? और इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का पौत्र कौन था जिसने धर्म स्वीकार किया? इसका सही जवाब है संप्रति, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने जैन धर्म के 5 महाव्रतों में कौन सा महाव्रत जोड़ा? और सही जवाब है ऑप्शन डी ब्रह्मचर्य। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या समानता है? इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। दोनों ने जाति प्रथा का विरोध किया, दोनों ने पुनर्जन्म का सिद्धांत माना और दोनों ने अहिंसा और सत्य का प्रचार किया, तो ये उपरोक्त सभी उत्तर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित की रचना किसने की? तो उत्तर है इसका बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? और इसका सही जवाब है पुष्यभूति, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन का बहनोई कौन था? इसका सही जवाब है ग्रहवर्मन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के जीजा ग्रहवर्मन को किसने मारा? और इसका सही जवाब है गौड़ का राजा शशांक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कादंबरी किसने लिखी? और इसका सही जवाब है बाणभट्ट, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन का दूसरा नाम क्या था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शिलादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन द्वारा लिखे गए नाटक हैं? इसका सही जवाब है उपर्युक्त सभी, नागनाद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, तो तीनों है ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हेनचोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन को किस राजा ने हराया? और इसका सही जवाब है पुलकेशन द्वितीय। हर्षवर्धन के समय चीन का सम्राट कौन था? और इसका सही जवाब है तेजोंग, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के समय कन्नौज सभा किस मत के प्रचार के लिए हुई थी? और इसका सही जवाब है महायान, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागनाथ की रचना किसने की? हर्षवर्धन ने की, ऑप्शन ए। आय होल अभिलेख किसने लिखा? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रवि कीर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य वंश की स्थापना किसने की? और सही जवाब है पुलकेशिन प्रथम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पल्लव राजा ने पुलकेशिन को हराकर वातापी पर अधिकार कर लिया? और इसका सही जवाब है नरसिंह वर्मन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पल्लव राजा ने पुलकेशिन द्वितीय को हरा के वातापी पर अधिकार कर लिया? और इसका सही जवाब है नरसिंह वर्मन प्रथम ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चालुक्य के राजा ने वेंगी में राजधानी बनाई? और इसका सही जवाब है विष्णुवर्धन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित चालुक्य के राजा में से किसने फारसी राजा खुसरू द्वितीय को एक राजदूत भेजा? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादामी के चालुक्यों का राज्यकाल क्या था? और इसका सही जवाब है 543 से 757 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के शोर मंदिर का निर्माण किसने कराया? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नरसिंह वर्मन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांची का प्रसिद्ध बैकुंठ पेरुमल मंदिर किसने बनवाया? सही जवाब है इसका महेंद्र वर्मन द्वितीय ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किराता जुर्णीय की रचना किसने की? और इसका सही जवाब है भैरवी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्ष कुमार चरितम की रचना किसने की? और इसका सही जवाब है दंडन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पल्लव राजा में से किसने प्रसिद्ध नाटक मत्त विलास प्रहसन लिखा था? सही जवाब है महेंद्र वर्मन प्रथम ने, ऑप्शन ए है उत्तर इसका, महेंद्र वर्मन प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्ष कुमार चरितम की रचना किसने की और रचयिता किसके दरबारी कवि थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दंडिन नंदी वर्मन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लव राजा महेंद्र वर्मन द्वितीय को किसने हराया? और इसका सही जवाब है पुलकेशिन द्वितीय ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास का नाम किस अभिलेख में है? और इसका सही जवाब है आय होल अभिलेख, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा गौतम बुद्ध द्वारा प्रथम धर्मोपदेश में दर्शाया गया भाव है? और सही जवाब है उसका धर्मचक्र मुद्रा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी थी? इसका सही जवाब है लाहौर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति किसने बनवाई है? और इसका सही जवाब है चामुंडा राय ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैनी किस महाजनपद की राजधानी थी? और इसका सही जवाब है अवंती, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? और इसका सही जवाब है गांधार, ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन है, उत्तर पथ और दक्षिण पथ के बीच कौन सा नगर था? और इसका सही जवाब है मथुरा, ऑप्शन ए। मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? सूरसेन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी पांचाल की राजधानी कहाँ थी? और इसका सही जवाब है अहिचित्र। इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी? और सही जवाब है कुरु, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर किस क्षेत्र में थी? सही जवाब है जयपुर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, बिंबिसार ने अवंती नरेश प्रद्योत के यहाँ कौन सा वेद भेजा था? प्रद्योत के यहाँ कौन सा वेद भेजा था? और इसका सही जवाब है जीवक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार का दूसरा नाम क्या था? श्रेणिक, ऑप्शन ए। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? नंदीवर्धन। भारत का प्रथम साम्राज्य संस्थापक किसे कहा जाता है? महापद्मानंद को।
नंद वंश की स्थापना किसने की? सही जवाब है महापद्मानंद ने। अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया? सही जवाब है 326 ईसा पूर्व। अलेक्जेंडर ने किस समय भारत पर आक्रमण किया? उस समय मगध पर कौन सा वंश राज्य कर रहा था? और इसका सही जवाब है नंद, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? सही जवाब है 261 ईसा पूर्व। इंडिक का लेखक कौन था? सही जवाब है मैक्सिनीज। बिंदुसार के राज्य में सीरिया का राजदूत कौन था? सही जवाब है डायमाइकस। किस शिलालेख में अशोक ने कहा है प्रत्येक मनुष्य मेरी संतान है? सही जवाब है 5वें शिलालेख में, ऑप्शन ए। अशोक के किस शिलालेख में समकालीन यूनानी राजाओं का उल्लेख है? सही जवाब है 9वें शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के बोधगया और बौद्ध वृक्ष यात्रा का उल्लेख किस शिलालेख में है? सही जवाब है 8वें शिलालेख में, ऑप्शन डी। अशोक के बौद्ध धर्म अपनाने का उल्लेख किसमें है? सही जवाब है भाब्रू शिलालेख, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिर बनाने की पंचायतन कला का प्रथम नमूना है? सही जवाब है दशावतार मंदिर देवगढ़, ऑप्शन ए। नष्ट हुआ बौद्ध स्तूप भामल कहाँ है? सही जवाब है पाकिस्तान, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़ेवाल वंश की रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र किन विहार कहाँ कराया? जिन विहार कहाँ कराया? और इसका सही जवाब है सारनाथ। कल्याण को वेगी में जोड़ने वाले मार्ग का नाम क्या था? सही जवाब है तगर, ऑप्शन ए। संस्कृत नाटकों में विदूषक कौन होता था? सही जवाब है ब्राह्मण, ऑप्शन ए। तोरमार किस जाति का राजा था? सही जवाब है हूण। एलोरा की गुफाएं किस धर्म से हैं? सही जवाब है हिंदू, जैन और बौद्ध। भारत में बैंक का प्रथम साक्ष्य कहां से मिला है? सही जवाब है वैदिक काल, ऑप्शन डी। भारतीय प्रागैतिहासिक काल के इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? सही जवाब है रॉबर्ट ब्रूस फुट, ऑप्शन सी। पुरापाषाण काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सही जवाब है शिकार, ऑप्शन बी। राखलदास बैनर्जी ने किस स्थल की खोज की? सही जवाब है मोहनजोदाड़ो। सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज किसने की? सही जवाब है दयाराम सहानी, ऑप्शन सी। मोंटगोमरी पाकिस्तान में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है? सही जवाब है हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता में महान स्नानगार कहां से प्राप्त हुआ है? और सही जवाब है मोहनजोदाड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुफकराल नामक नवपाषाण स्थल किस प्रदेश में है? और इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में दांतों का प्रथम अवशेष कहां से प्राप्त हुआ है? सही जवाब है मेहरगढ़, ऑप्शन ए। जानवर के प्रथम अवशेष किस प्रदेश में पाए गए हैं? सही जवाब है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी। भीमबेटका में कितनी गुफाएं हैं? और इसका सही जवाब है 243, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में शिलालेखों के उद्देश्य का वर्णन है? सही जवाब है ऑप्शन डी, 14वें शिलालेख। अशोक के किस शिलालेख में सभी धर्मों के लिए सहिष्णुता का वर्णन है? सही जवाब है ऑप्शन डी, 12वें शिलालेख। अशोक का कौन सा शिलालेख धर्म महामत के बारे में है? सही जवाब है ऑप्शन डी, 7वां शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में उन जानवरों और पक्षियों की सूची दी है जिनका संरक्षण करना था? सही जवाब है 5वें शिलालेख, ऑप्शन ए। श्रीलंका की पुस्तक महावंश के अनुसार किसने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया है? सही जवाब है ऑप्शन डी, निग्रोध। अशोक के किस शिलालेख में अशोक नाम का जिक्र मिला है? और सही जवाब है इसका मस्की, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, किस ग्रीक राजा ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार मैगस्थनीस को राजदूत नियुक्त किया? सही जवाब है सेल्यूकस निकेटर। फिर क्वेश्चन है, अशोक का कौन सा शिलालेख खरोष्ठी लिपि में है? और इसका सही जवाब है
उपयुक्त दोनों यानी मनसेहार और सहबाजगढ़ी। अशोक का कौन सा शिलालेख सबसे लंबा है? सही जवाब है 13वां शिलालेख, ऑप्शन सी। अशोक का कौन सा अभिलेख दो भाषाओं में है? सही जवाब है कंधार अभिलेख, ऑप्शन सी। सिंहासनारोहण से पहले अशोक कहाँ का वायसराय था? सही जवाब है तक्षशिला, ऑप्शन ए। अशोक के किस शिलालेख में धम्म नीति का वर्णन है? धम्म से यहाँ तात्पर्य है धर्म का, और इसका सही जवाब है शिलालेख 11। अशोक ने किस शिलालेख में पशु हत्या पर रोक लगाई? सही जवाब है शिलालेख 1। अशोक ने धम्म प्रसार करने के लिए कौन से अधिकारी रखे थे? और इसका सही जवाब है उपयुक्त सभी, युक्त, प्रादेशिक और राजुक्य। 199 कलिंग युद्ध अशोक के सिंहासनारोहण के कौन से वर्ष में हुआ? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 8वें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के बेरुत शिलालेख को इलाहाबाद कौन ले गया था? सही जवाब है इसका कनिंगम, ऑप्शन ए। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। ओके, बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। दोस्तों ये 600 क्वेश्चन की सीरीज है जिसमें 400 क्वेश्चन हो चुके हैं, ये 5वां पार्ट है, इसमें भी 100 क्वेश्चन होंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए। पहला प्रश्न है, हसन निजामी और फक ए मुदब्बिर किसके दरबारी कवि थे? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत आक्रमण कब किया? सही जवाब है इसका 1175, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया? सही जवाब है 712 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नटराज की कांस्य मूर्ति किस वंश से संबंधित है? सही जवाब है चोल वंश से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित था? इसका सही जवाब है राष्ट्रकूट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी? सही जवाब है ऑप्शन ए, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल कादिर बंदायूनी, नकीब खान और थानेश्वर किसके दरबार में थे? सही जवाब है अकबर के, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताब अल हिंद की रचना किसने की? इसका सही जवाब है अलबरूनी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सल्तनत कालीन राजा ने अपने अमीरों के बीच उसकी इजाजत के बिना दावतों त्योहार मनाने पर रोक लगा दी थी? सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाई दरवाजा किसका प्रवेश द्वार है? सही जवाब है कुतुब मीनार का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा किसे बताया है? सही जवाब है इसका कृष्णदेव राय, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शहरों में से एक प्रसिद्ध स्मारक रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है लखनऊ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरदौस मंजिल किस मुगल राजा को कहा जाता था? सही जवाब है इसका शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहरुनिसा किस नाम से प्रचलित थी? सही जवाब है नूरजहां, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शराब गुटखा किस रहस्यवादी कवि की हस्तलिपि है? इसका सही जवाब है भगत पीपा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर किसके शिष्य थे? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबरनामा किस भाषा में है? सही जवाब है इसका फारसी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान किसके खिलाफ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, खोखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के साथ कौन भारत आया? सही जवाब है इसका अलबरूनी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब किस वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था? और इसका सही जवाब है वीणा, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश द्वारा 175 ग्राम का जारी किया सिक्का किस धातु का था? सही जवाब है चांदी, ऑप्शन बी। मलेबित और वेल्लूर के मंदिर किस वंश के राजा ने बनवाए थे? सही जवाब है इसका होयसल, ऑप्शन बी। मलेबित और वेल्लूर के मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनवाए थे? इसका जवाब है होयसल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही क्रम क्या है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गुलाम, खिलजी, तुगलक और रोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1576 का वर्ष किस युद्ध के लिए प्रसिद्ध है? और इसका सही जवाब है हल्दी घाटी का युद्ध, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध किन के बीच हुआ? सही जवाब है मराठा और अफगान, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा की कौन सी इमारत मास्को के सेंट कैथेड्रल की तरह है? सही जवाब है इसका मोती मस्जिद, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? सही जवाब है इसका गुलबर्गा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में वीणा कौन बजाता था? सही जवाब है इसका औरंगजेब, ऑप्शन डी। तुंगभद्रा के तट पर कौन सा साम्राज्य विकसित हुआ? इसका सही जवाब है विजयनगर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क ए आजम किन शहरों को जोड़ती थी? सही जवाब है इसका आगरा और शाशाराम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी हत्या उसके बेटे ने की? इसका सही जवाब है राणा कुंभा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा कुंभा ने चित्तौड़ का विजय स्तंभ किस युद्ध में विजय के बाद बनवाया? सही जवाब है सारंगपुर के युद्ध, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर के निकट ओसियां नामक शहर किस वंश के राजपूत राजाओं ने विकसित किया था? सही जवाब है प्रतिहार, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय के क्षेत्र में वर्तमान के किस प्रदेश के हिस्से नहीं थे? सही जवाब है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी। फिर क्वेश्चन है, पूर्व पश्चिम समुद्र दिशावार की उपाधि किसने धारण की? सही जवाब है हरिहर प्रथम। फारसी इस्लामिक विद्वान कमालुद्दीन अब्दुल रजाक इब्न इशाक समरकंदी ने 1440 के दशक में किस भारतीय शहर की यात्रा की? सही जवाब है कालीकट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुकैया बेगम किस मुगल शासक की पत्नी थी? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अकबर। रजिया सुल्तान किसकी पत्नी थी? सही जवाब है अल्तुनिया, ऑप्शन ए। 1293 में मार्को पोलो ने किस भारतीय राज्य की यात्रा की थी? और सही जवाब है होयसल, ऑप्शन बी। खिज्र खान ने किस वंश की स्थापना की थी? सही जवाब है सैयद वंश, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रांड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण किसने कराया? इसका सही जवाब है शेरशाह सूरी, ऑप्शन सी। तलीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ? सही जवाब है 1565, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब के समय राजपूत विद्रोह कब हुआ? सही जवाब है 1679, ऑप्शन सी। शाहजहां की मृत्यु कब हुई? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1666। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालखेड़ का युद्ध कब हुआ? सही जवाब है 1721, ऑप्शन सी। शनिवार वाड़ा किस वंश से संबंधित था? और इसका सही जवाब है मराठा, ऑप्शन बी। कौन से मुगल राजा के दरबार में हिंदू से ज्यादा मुस्लिम मनसबदार थे? औरंगजेब, ऑप्शन डी। जप्ती प्रथा और दहशाला प्रथा किसने शुरू कराया? सही जवाब है टोडरमल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपने भाई उलूक खान और नुसरत खान को गुजरात आक्रमण के लिए भेजा? सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ? और इसका सही जवाब है पांडे, ऑप्शन ए। चांदी का टंका और तांबे का जीतल किसने चलवाया? इल्तुतमिश ने, ऑप्शन बी। तैमूर ने भारत पर आक्रमण किसके समय किया? महमूद शाह तुगलक, ऑप्शन ए। इक्ता प्रथा का अंत किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन ए। ओसियां का मंदिर किसने बनवाया? गुर्जर प्रतिहार, ऑप्शन ए। चंगेज खान का समकालीन कौन था? सही जवाब है ऑप्शन ए, इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक मध्यकाल के दौरान जेजाक भुक्ति किस जगह को कहा जाता था? सही जवाब है बुंदेलखंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर के दरबार में ब्रिटेन के शासक जेम्स प्रथम का कौन सा राजदूत आया था? सही जवाब है थॉमस रो, ऑप्शन ए। मुगल शासक मोहम्मद शाह को किस नाम से जाना जाता था? रंगीला, ऑप्शन बी। मुगल राजा शाह आलम द्वितीय का असली नाम था? अली गौहर। मुगल शासक मोहम्मद का असली नाम क्या था? रोशन अख्तर, ऑप्शन ए। अलाई दरवाजा को किसने बनाया? अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी। बीजापुर सल्तनत की स्थापना किसने की? यूसुफ आदिल शाह, ऑप्शन ए। बाबरनामा मूल रूप से किस भाषा में था? चक्ताई, ऑप्शन बी। मंगोलों के सबसे ज्यादा आक्रमण किसके काल में हुए? सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी। कुतुब मीनार का नाम किसके नाम पर रखा गया? सही जवाब है बख्तियार काकी। इसका सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए, कुतुब मीनार का नाम किसके नाम पर रखा गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरी तरह से अरबी सिक्के भारत में सर्वप्रथम किसने चलवाए? सही जवाब है इल्तुतमिश। कुलीन प्रथा को बंगाल में किसने शुरू किया? सही जवाब है वल्ला सेन, ऑप्शन बी। गुजरात के राजा भीम देवदत्ती ने किस आक्रमणकारी को हराया? सही जवाब है मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी। चर्य पद की रचना किसने की? सही जवाब है महासिद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलंकी वंश की राजधानी कहाँ थी? सही जवाब है अनिलवाड़। आलाखंड किस युद्ध से संबंधित है? सही जवाब है महोबा का युद्ध, ऑप्शन ए। 725 ईस्वी में अरब आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट हो जाने के बाद दोबारा सोमनाथ मंदिर को किसने बनवाया? और इसका सही जवाब है नागभट्ट द्वितीय, ऑप्शन सी। राजपूतों ने किस अरब आक्रमणकारी की सेना को हरा दिया था? सही जवाब है इसका अल जुनैद, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजपूत वंशों को कौन सा अग्रिकुल से नहीं है? सही जवाब है इसका कछवाहा। चचनामा कहाँ के इतिहास से संबंधित है? और सही जवाब है सिंध, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनसबदारी प्रथा कहाँ से ली गई थी? सही जवाब है मंगोलिया, ऑप्शन बी। पहली बार किस मुस्लिम राजा ने हज यात्रा राज्य के खर्चे पर करने का ऐलान किया था? सही जवाब है अकबर, ऑप्शन ए। विजयनगर साम्राज्य में सर्वाधिक आयात की जाने वाली वस्तु क्या थी? सही जवाब है इसका घोड़े, ऑप्शन सी। दिल्ली सल्तनत के दौरान बरीद किसे कहा जाता था? सही जवाब है समाचार वाहक और जासूस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने किस पुस्तक की रचना की थी? सही जवाब है फुतुहात ए फिरोज शाही, ऑप्शन ए। किसानों पर सिंचाई कर किसने लगाया? फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन बी। अरबों के सिंध आक्रमण के दौरान बहुत से हिंदुओं का जमरन धर्मांतरण किया गया, वो किसके अधिकार से वापस हिंदू धर्म में आए? सही जवाब है इसका देवल स्मृति, ऑप्शन सी। मुगल राज्य में काजी अल कुजात कौन था? सही जवाब है इसका न्याय का सर्वोच्च अधिकारी, ऑप्शन सी। बीजापुर के आदिल शाह वंश के सेनापति अफजल खान का असली नाम क्या था? अब्दुल भट्टरी, भट्टरी। दीने इलाही कब चलाया गया? 1582 में, ऑप्शन डी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में, अजमेर में है, ऑप्शन ए। विट्ठल स्वामी का मंदिर किसने बनवाया? कृष्णदेव राय, ऑप्शन सी। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन ए। दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना किसने की? मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन ए। मुरीद किसे कहा जाता था? सूफी संतों के शिष्य को, ऑप्शन ए। पातशाह गाजी किस मुगल सम्राट को कहा जाता था? जहांगीर को, ऑप्शन बी। चंदावर का युद्ध किन राजाओं के बीच हुआ?
मोहम्मद गौरी और जयचंद। ऑप्शन डी, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ। ऑप्शन सी, 20 अक्टूबर 1469। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्को पोलो किस राज्य के क्षेत्र में 13वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। सही जवाब है पांड्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुल्क ए खादिम के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता था। इसका सही जवाब है मराठा साम्राज्य, ऑप्शन ए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा फ्री में जो टेलीग्राम ग्रुप है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप 7838692618 पे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए टॉप 600 ये हिस्ट्री के क्वेश्चन है, अभी तक 500 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। ये लास्ट पार्ट है, सिक्स पार्ट, ठीक है। इसमें 100 क्वेश्चन और किए जाएंगे मिडिवल हिस्ट्री के, फिर इसकी पूरी पीडीएफ जो 600 क्वेश्चन की है और प्लस आंसर आपको मिल जाएगी फ्री में। ये वाला टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन करना पड़ेगा तुरंत, ठीक है। ये ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इसमें ये पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी, प्लस और भी बहुत सारी पीडीएफ प्लस वीडियोज यहाँ पे शेयर किए जाते रहते हैं। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो ये वाला ग्रुप तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। इसमें सब कुछ फ्री वाला ग्रुप है, ये बिल्कुल फ्री है। इसको डाउनलोड करने की लिंक दी हुई है, और कैसे इसको डाउनलोड करना है उसकी भी लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चलिए अब स्टार्ट करिए, ये 600 क्वेश्चन में से 500 हो चुके हैं, 101 से चालू करते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा डेक्कन क्षेत्र में गुरिल्ला युद्ध का अग्रणी माना जाता है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मलिक अंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन ए इलाही धर्म को सर्वप्रथम किसने ग्रहण किया। सही जवाब है ऑप्शन ए, बीरबल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद हिंदुओं पर से जजिया कर किसने हटा दिया। इसका सही जवाब है जहांतर शाह, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाला किसे कहा जाता है। सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, सैयद बंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल राजा कौन था। सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, मोहम्मद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर में शालीमार और निशांत बाग किसने बनवाया। सही जवाब है ऑप्शन बी, जहांगीर। फिर क्वेश्चन है, इनमें से कौन अमीर खुसरो के गुरु थे। सही जवाब है निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसने अनंग की रचना की। सही जवाब है ऑप्शन बी, ज्ञानेश्वर। सूरदार किसके शिष्य थे। इसका सही जवाब है वल्लभाचार्य, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय ने कहाँ के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण कराया। सही जवाब है हजारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावत की रचना किसने की। इसका सही जवाब है मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन ए। किताब ए रहला की रचना किसने की। सही जवाब है इब्न बतूता। फिर क्वेश्चन है, साइबेरिया के सारस और डोडो की चित्र किस मुगल चित्रकार ने बनवाए। इसका सही जवाब है उस्ताद मंसूर, ऑप्शन डी। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की। सही जवाब है दंती दुर्ग, ऑप्शन ए। संगम काल में पिल्लई शब्द किसके लिए प्रयोग होता था। सही जवाब है ऑप्शन ए, छात्र। जूना खां किस राजा का असली नाम था। सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन ए। गाजी मलिक ने किस वंश की स्थापना की। सही जवाब है तुगलक वंश, ऑप्शन बी। अकबर ने विभिन्न टकसालों के कामकाज का केंद्रीयकरण कब किया। सही जवाब है 1570, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस युद्ध में तोपों का पहली बार उपयोग हुआ। सही जवाब है पानीपत का प्रथम युद्ध, ऑप्शन ए। सेन वंश की स्थापना किसने की। सही जवाब है हेमंत सेन। विक्रमपुरी और विजयपुरी किस राजा की राजधानियां थी। विजय सेन, ऑप्शन बी। गढ़वाल वंश की स्थापना किसने की। सही जवाब है ऑप्शन ए, चंद्रदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयचंद किस युद्ध में लड़ते हुए मारे गए। और इसका सही जवाब है चंदावर के युद्ध में, ऑप्शन सी।
पेशवा बाजीराव ने किस राजपूत राजा की मदद की? छत्रसाल की, ऑप्शन ए। श्रीहर्ष किसके दरबारी कवि थे? इसका सही जवाब है जयचंद, ऑप्शन बी। राजशेखर किस गुर्जर प्रतिहार वंशी राजा के दरबारी कवि थे? और सही जवाब है महेंद्रपाल प्रथम, ऑप्शन ए। जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता था? सूरजमल, ऑप्शन ए। गोकुला जाट ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कहाँ किया? मथुरा में, ऑप्शन ए। अरबों ने सिंध पर पहला आक्रमण कब किया? 1712, ऑप्शन सी। तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसने की? जियानुद्दीन बरनी, ऑप्शन ए। कोहिनूर हीरे का प्रथम स्वामी कौन था? और इसका सही जवाब है काकतीय, ऑप्शन ए। महजरनामा किसने तैयार करवाया था? सही जवाब है अकबर ने। सिकंदर ए शानी की उपाधि किसने धारण की? सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन ए। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के राजाओं ने कराया? इसका सही जवाब है चंदेल, ऑप्शन ए। भारत में प्रथम बार मंगोलों के प्रवेश के समय दिल्ली पर किसका शासन था? सही जवाब है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी। अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा लिखित पातशाह नामा किस राजा के राज्य के बारे में रचना है? सही जवाब है शाहजहां, ऑप्शन डी। हमीम हमाम किस राजा के शाही स्कूल का मुख्य संचालक था? अकबर। कुछ दिनों पर पशु हत्या के लिए किसने बैन लगाया था? अकबर ने। उस्ताद ईशा किस इमारत से संबंधित था? ताजमहल, ऑप्शन बी। सूरसागर किसके समय लिखी गई? अकबर, ऑप्शन बी। जुझार सिंह बुंदेला ने किसके खिलाफ विद्रोह किया था? शाहजहां, ऑप्शन सी। मुगल काल की सीमाएं किसके काल में चरमोत्कर्ष पर थीं? औरंगजेब, ऑप्शन सी। सल्तनत काल और मुगल काल में बीजों खेती आदि के लिए दिए जाने वाले ऋण को क्या कहा जाता था? तकावी, ऑप्शन ए। मुगल काल में अमल गुजार किस क्षेत्र से था? राजस्व, ऑप्शन सी। किस राजा ने तंबाकू पर रोक लगा दी थी? जहांगीर ने, ऑप्शन बी। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना किसके काल में की? शेरशाह, ऑप्शन ए। शास्त्रीय संगीत की सबसे ज्यादा पुस्तकें किसके समय लिखी गईं? औरंगजेब। हुमायूं नामा की रचना किसने की? गुलबदन बेगम। शिवाजी के राज्य में राज्य का संपूर्ण प्रशासन कौन देखता था? पेशवा, ऑप्शन ए। पुरंदर की संधि मराठा और मुगलों के बीच हुई, इसमें मुगलों की तरफ से किसने संधि की? जयसिंह प्रथम, ऑप्शन ए। रामायण का संस्कृत में से फारसी में अनुवाद किया? और इसका सही जवाब है मुल्ला अब्दुल कादिर बंदायू ने। अकबर के दरबार में हाजी इब्राहिम सर हिंदी ने किसका संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया? अथर्ववेद, ऑप्शन डी। लाल किले में मोती मस्जिद किसने बनवाई? औरंगजेब, ऑप्शन सी। इबादत खाना किस लिए बनवाया गया? धर्मों की चर्चा के लिए, ऑप्शन ए। किसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया? औरंगजेब। किस युद्ध से शेरशाह सूरी को अपना सूरी साम्राज्य स्थापित करने में मदद मिली? चौसा का युद्ध, ऑप्शन ए। कुषाणों के बाद काबुल और कंधार किस भारतीय राजा ने जीता? बाबर ने। राजा टोडरमल शुरुआत में किसके मंत्री थे? शेरशाह सूरी, ऑप्शन बी। शेरशाह सूरी ने किसके सिक्के चलवाए? और इसका सही जवाब है सोने चांदी और तांबे, तीनों के। अंग्रेजों के समय प्रयोग की जाने वाली रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई? इसका सही जवाब है शेरशाह सूरी, ऑप्शन ए।
इलाहाबाद का किला किसने बनवाया? अकबर ने। अकबर के समय प्रशासनिक राजस्व और राजस्व वसूली के लिए कौन सी इकाई थी? सूबा। ऑप्शन ए। अकबर के राज्यकाल के दौरान पंचमहल, बुलंद दरवाजा, अकबर के मकबरे और अकबर के राज्य की राजधानी में क्या क्या एक जगह पर थी? सही जवाब है बुलंद दरवाजा, अकबर की राजधानी और पंचमहल। ऑप्शन सी। हुमायूं का जन्म कहाँ हुआ? काबुल में। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? चंद्र बरदाई। ऑप्शन ए। अमोक वर्ष किस वंश का राजा था? राष्ट्रकूट वंश। कांचीपुरम का वेंकट पेरुमल मंदिर किसने बनवाया था? नंदीवर्मन। ऑप्शंस, नंदीवर्मन द्वितीय ने। ऑप्शन सी। दिलवाड़ा जैन मंदिर किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म। ऑप्शन सी। किस वंश में समुद्री साम्राज्य एक अलग साम्राज्य था? राष्ट्रकूट। ऑप्शन सी। रजिया सुल्तान दिल्ली के सिंहासन पर कब बैठी? 1236। ऑप्शन डी। चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने कारण किसकी मृत्यु हुई? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई। ऑप्शन ए। मान्यखेत किस वंश की राजधानी थी? राष्ट्रकूट। ऑप्शन सी। मुगल साम्राज्य की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1526। ऑप्शन डी। द्वार समुद्र किस वंश की राजधानी थी? होयसल। ऑप्शन ए। जहांगीर महल किस किले में है? आगरा किले में। ऑप्शन ए। बाबर नामा का चागताई से फारसी अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम खान खाना। ऑप्शन ए। भारतीयों को इस्लाम के बारे में जानकारी कैसे मिली? मालबार के अरब व्यापारियों से। ऑप्शन बी। मालाबार में अरब व्यापारियों से मिली। पुर्तगालियों ने पहली कोठी कहाँ खोली? कोचीन। किस मुगल राज को रोशन अख्तर कहा जाता है? मोहम्मद शाह। ऑप्शन बी। मराठा पैदल सेना में सबसे कम रैंक किसकी थी? हवलदार। ऑप्शन सी। मुगल काल में बंदरगाहों का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? मीरे बहार। ऑप्शन बी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस के समय दिल्ली का राजा कौन था? उस समय स्थापना के समय दिल्ली का राजा कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन सा राजपूत राजा मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए जाना जाता है? जयसिंह सिद्धराज। ऑप्शन सी। कौन सा मिलान सही नहीं है? सी। यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर। दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट पर कौन से भारतीय हिस्से थे? उपयुक्त दोनों, मुसीरी और तोंडी। ऑप्शन ए और बी दोनों। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक के समय विदेशी यात्री इब्न बतूता आया, वो किस देश से था? मोरक्को। मोहम्मद गौरी को माउंट आबू के पास किसने हराया? भीमदेव सोलंकी। ऑप्शन सी। किस चोल राजा ने मालदीव को जीता? राजराज चोल प्रथम। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई? अहमदनगर। ऑप्शन सी। अकबर ने बुलंद दरवाजा कब बनवाया? 1602 में। ऑप्शन बी। अकबर ने किस जैन गुरु को जगत गुरु की उपाधि दी? हरि विजय सूरी। ऑप्शन सी। मुगल साम्राज्य के बाद कौन सा राज्य सबसे शक्तिशाली हुआ? मराठा। ऑप्शन ए। किसके शासनकाल के बाद मुगल काल का पतन हो गया? औरंगजेब। ऑप्शन सी। ताजमहल का निर्माण किसकी स्मृति में हुआ था? मुमताज। ऑप्शन ए। देवगिरी को सर्वप्रथम किसने जीता? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी। 1309 में वारंगल के खिलाफ अभियान किसने चलाया? मलिक काफुर ने। मजमा अल बहरेन की रचना किसने की? दाराशिकोह।
जिंदा पीर किसे कहा जाता था? औरंगजेब, ऑप्शन सी। घोघा के गोहिल राजपूत राजा मोखत जी गोहिल किसके समकालीन थे? फिरोज शाह मोहम्मद बिन तुगलक। इसको एक बार और कर लीजिए, मोहम्मद बिन तुगलक सही जवाब है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होता है, आगे के लिए हम आपके और भी वैसे ही वीडियोस लाएंगे। देखिए टोटल ये 600 क्वेश्चन है हिस्ट्री के, इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में, ये तुरंत ज्वाइन कर लीजिएगा, ये फ्री वाला ग्रुप है और इसमें बाकी एग्जाम्स की भी काफी सारी पीडीएफ शेयर करता रहता हूँ मैं, तुरंत इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक दी हुई डिस्क्रिप्शन। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर।